नमस्कार दोस्तों, JHGK स्टडी के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुल 10 सवाल और उनके जवाब देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो के सभी सवालों को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, अंतरिक्ष का शहर किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, हैदराबाद, नई दिल्ली या बेंगलुरु। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। अगला सवाल है, किस महासागर को प्यासा महासागर भी कहा जाता है? ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, मिहर सेन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? ऑप्शन है 15, 16, 17 या 18। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सत्येंद्र नाथ टैगोर, श्री शंकर कुरूप या राकेश शर्मा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री शंकर कुरूप। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किस राज्यों में होता है? ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, हरियक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है शिशुनाग, बिंबिसार, चंद्रगुप्त या कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंबिसार। अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं 1155, 1160, 1162 या 1191। आपका राइट आंसर है 1191। तो दोस्तों, ये रहे आज का महत्वपूर्ण सवाल और उनके आंसर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।